दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपको पता है असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष में क्या अंतर होता है? क्या आपको पता है कि सावन मास में शिव जी की आराधना के साथ श्री कृष्ण की आराधना भी महत्वपूर्ण होती है? क्या आपको पता है कि भगवान शिव की पूजा शंख से नहीं करनी चाहिए? क्या आपको पता है कि सावन मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं। सावन मास में शिव जी की आराधना श्री कृष्ण के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक इस एक महीने में जो श्री कृष्ण की आराधना करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। शिव प्रिय होने के कारण इस माह में कृष्ण जी प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्जित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते, इसीलिए ये समय भक्तों साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह योग निद्रा 4 महीने का होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमौसा भी कहा जाता है। इस समय सृष्टि के संचालन के उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता और भगवान शिव ही बन जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के एक असुर का वध किया था जो भगवान विष्णु के भक्त थे। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। असली रुद्राक्ष के फल प्राकृतिक रूप से छेद होते हैं। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र काक्ष। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के असुओं से हुई है। रुद्राक्ष का वृक्ष सदाबहार है। यह वृक्ष का फूल सफ़ेद रंग का होता है और फल हरा होता है। फल पकने के बाद इसका रंग काला हो जाता है और इसकी गुठली को रुद्राक्ष कहते हैं। शास्त्रों में 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। असली रुद्राक्ष पानी में डूबने पे डूब जाती है और असली रुद्राक्ष का ऊपरी सतह कभी एक स्वरूप नहीं होती है। जैसे 2 मनुष्यों की फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं होती है, उसी तरह असली रुद्राक्ष की ऊपरी सतह एक जैसी नहीं होती है। रुद्राक्ष की भारत में कुल 33 प्रजातियां हैं, लेकिन कई रुद्राक्ष पे गणेश सर्प शिवलिंग की आकृति बनाकर भी लोग लाभ कमाया करते हैं। नाग भगवान शिव के प्रिय आभूषण है। घर की नींव में चांदी नाग नाग इनकी स्थापना की जाती है। यदि आप कार्यों में बार बार रुकावट आती है तो घर के मुख्य द्वार पे नाग भगवान की एक चांदी की बनी आकृति रख दें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।